एक तरफ केंद्र और प्रदेश की सरकार सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एक विवादित बयान देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी सिर्फ जाट बिरादरी को ही किसान बता रहे हैं, जबकि अन्य बिरादरी के किसानों को मजदूर कह रहे हैं। वीडियो में मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझसे बहुत से सांसद कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि कुछ भी हो आप लोग सड़कों पर खड़े मिलते हैं, तो मैंने कहा कि हम ही हैं किसान, बाकी तो बेचारे मजदूर हैं। आइए आप भी सुनिए मंत्री जी के वायरल वीडियो को। ऐसा होगा कोई सा फील्ड व्यापार का प्रेजेंस ना दिखाई देती हो, नौकरी में भी हम अच्छे हैं, और सच पूछो तो खेती किसान और जाट पर्यायवाची, किसान और लोग भी हैं बिरादरी, पर बिराद किसान जाट के नाम से जाना चाहे देश में किसी भी हिस्से में हो, अगर कभी कहीं आंदोलन होगा तो जाट ही करेंगे। किसान तो पूरे देश में तमिलनाडु में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, कहीं आपको कोई लड़ता दिखाई नहीं देगा। मेरे साथ बाकी सांसद पूछते हैं, पूरे देश के सांसद जब बैठते हैं कि ऐसा क्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा कि कोई बात हो सड़क पर खड़े मिलो तुम, ऐसी क्या बात है। मैं कहा भाई हम ही हैं किसान और है कौन, बाकी तो रियासी है मजदूर हैं, कहाँ इनसे और कौन पूछ रहा है। एक फील्ड है जहाँ हम पिछड़ रहे हैं वो राजनीतिक, अगर आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में पीछे होते जा रहे हैं। आप भी शायद इस बात को महसूस करते होंगे और मैं भी महसूस करता हूं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो। इतना ही नहीं, मंत्री ने हरियाणा में संपन्न हुए चुनावों पर भी बोलते हुए कहा कि हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, लेकिन इससे पहले वो कभी ना तो हरियाणा गए थे और ना ही वहाँ के बारे में उन्हें कोई जानकारी थी। भूपेंद्र सिंह को वहाँ के बारे में मैंने ही बताया था, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हम सब लोग भुगत रहे हैं। एक तो ये बात, एक हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव था और भूपेंद्र सिंह हमारे पंचायत राज मंत्री उत्तर प्रदेश में, बड़े भाई हैं मेरे, बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार, तो वो कभी जीवन में हरियाणा नहीं गए थे, और मेरी जिंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा हरियाणा में गुजरा। तो जो प्रभारी बने तो मुझसे पास आए, कहने लगा भाई संजीव मैं प्रभारी बन गया यार, मैं तो हरियाणा देखा नहीं। तो वे दो तीन दिन दिल्ली रहे, मैंने उन्हें हरियाणा के हर विधानसभा के बारे में बताया, वहाँ के मिजाज के बारे में सब बातें बताई। तो मैंने एक बात कहने लगा कि मैं कहा भाई साहब हमारे मन में एक अंतर है, हरियाणा का आदमी जड़ से जुड़ा हुआ है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम जड़ों से थोड़ी दूर जाने लग रहे हैं। तो जब वे चुनाव आ गए दो महीने बाद, मैं रहा कहने भाई मेरा एक अनुभव है हरियाणा में रहकर, मैं कहा क्या, कहले हरियाणा का आदमी जब दिल्ली आता है या मद्रास जाओ या अमरीका जाओ, वो हरियाणा को अपने साथ लेकर जाता है। वहीं इस वायरल वीडियो के बारे में जब सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह से राय जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। मंत्री जी संजीव बालियान जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और जो तमाम जो और बिरादरियां हैं उन्हें नया बता करके इस तरीके से वो कर रहे हैं, क्या कहना आपका? आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विवादित बयान देते हुए ये वायरल वीडियो मेरठ में एक सप्ताह पहले कार्यक्रम का बताया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।